दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको गांव की सुबह और निज़ाम ज़िंदगी दिखाएंगे कि लोग सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको हमारे चैनल विलेज लाइफ एंड ब्यूटी पर खुश आमदीद। दोस्तों आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। जी दर्शक देख सकते हैं, हम सुबह सुबह आए हैं, एक गाँव की डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, आपको विलेज लाइफ दिखाएंगे कि विलेज लाइफ की सुबह कैसे होती है, लोग कैसे अपना काम काज शुरू करते हैं और कैसे वो दिन का आगाज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हवेली में आ रहे हैं, कुछ ये पट्टे लेने जा रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं सुबह सुबह, सूरज निकला है, नाज की खूबसूरती मंजर पेश कर रहा है सुबह सुबह की लाइफ जो कि गांव की बहुत ही खूबसूरत होती है। बच्चे खेल रहे हैं, लोग काम काज पर जा रहे हैं, जानवरों के लिए चारा लेने जा रहे हैं, अपने ज़मीनों पर जा रहे हैं, जितने भी काम है। आए तो खूबसूरती से बच्चे गलियों में खेल रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आपको नहायत ही खूबसूरत चीज़ें दिखाएंगे, मौलियाती दिखाएंगे। एक हवेली में आए हैं, जानवर बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं सुबह सुबह। ये टोका लगा हुआ है, साथ कुछ चारा पड़ा है। ये बकरियां और ये छोटा सा इसका बछड़ा धूप सेक रहे हैं सुबह सुबह की। ये उन्होंने मिस्त्री लगाया हुआ है, मरम्मत हो रही है गाँव की घर की। ये नीचे पानी पुनी खड़ा हवेली में, ये हमारा कले आस का घर है, बच्चे खेल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा मिस्त्री लगाए हुए हैं, मरम्मत हो रही है, छोटी मोटी सी शादी ब्याह की तैयारी होती है तभी गांव में घर घरों की मरम्मत वगैरह होती है। सादे से लोग हैं, सादी सी जिंदगी है, अपनी मौज जीते हैं इकट्ठे रह कर। शहरों में तो जैसी शादी होती है अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन गांव की ज़िंदगी एक नाइज पर सुकून है, दास से गुजारी जाती है। ये देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं गलियों में, अब पुख्ता घर भी बनने शुरू हो गए हैं जी। ये घर भी जमीन जरे तमीर है, मरम्मत काम हो रहा है इस पर। ये मस्जिद है गांव की, छोटी सी सादा सी प्यारी सी जी। अब हम गांव से बाहर निकलते हुए हवेलियों की तरफ बढ़ रहे हैं, हवेलियों का नज़ारा दिखाएंगे आपको। ऐसे सेटअप दिया हुआ है और कच्चे घर भी आ गए हैं अब करीबन। ये कच्चा घर है, मुकम्मल गिर चुका है, अभी इसमें राइश नहीं है इसको। ये हवेलियों में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं परिंदे चहचहा रहे हैं सुबह सुबह का टाइम, बच्चे गलियों में खेल रहे हैं। ये काम हो रहा है, सफाई हो रही है हवेली की, माशाल्लाह छोटा सा बछड़ा है गाय का। ये सफाई कर रहे हैं हवेली की ताकि जानवर आराम सुकून से बैठ सकें। ये गाय नीचे इसका बछड़ा है, दूध पी रहा है, सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट बछड़े का ये है, और ये भैंसे चारा खा रही हैं,
जी दोस्तों, अभी हमारे एक दोस्त ने हमें मधु किया है मुर्गों की लड़ाई पर, वो हम आपको दिखाते हैं मुर्गे की लड़ाई, इस तरह मुर्गे लड़ते हैं और क्या गांव वालों का शौक है मुर्गों की लड़ाई का, वो हम आपको भी दिखाने चलते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मुर्गों की लड़ाई शुरू हो गई है, मुर्गे लड़ रहे हैं। ये गाँव का एक शौकिया अमल है, जो लोग शौक़ से मुर्गे पालते हैं फिर उनको मजबूज होने के लिए आपस में झगड़ा करवाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मुर्गे काफ़ी खूबसूरत हैं और पाले हुए हैं। और हम इंजॉय कर रहे हैं इसे। गांव में इस तरह के शौक होते हैं, पुरसकून जिंदगी है। अब थक चुके हैं मुर्गे तकरीबन, लड़ाई कराने के अमल के लिए खुराक रूख खिलाते हैं, बादाम दम वगैरह, ताकि ये सेहतमंद रहें। शौकिया काम है, ज़्यादा लोग शौक से करते हैं गांव में ऐसे काम। जी दोस्तों, अब लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा अगले मुर्गियों की लड़ाई के देखने के बाद नहायत ही दिलचस्प थी। अब आपको आगे बढ़ाते हैं गांव की तरफ। कच्ची बादी के बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, देखें। अब हम गांव से बाहर चलेंगे ज़मीनों की तरफ, थोड़ा सा नज़ारा आपको ज़मीनों का दिखाएंगे, फिर इंशाल्लाह वापसी। और एक हवेली के अंदर जाके आपको चारे की कटाई या उसको कैसे सर्व करते हैं वो दिखा देंगे। ये ज़मीनों का नज़ारा है, चारे की कटाई हो रही है वो दिखाते हैं आपको जाकर, कैसे कटाई हो रही है चारे की। कटाई दिखाएंगे फिर उसको कैसे चारे को बारीक करके जानवरों को खाने के लिए पेश किया जाता है, ताकि वो महजूज हो सकें और दूध की पैदावार बढ़ा सकें। ये बरसीन की फसल है, यानी बरसीन का चारा है, इसे कटाई करके लेकर जाता है, दिया जाता है। इसमें खुश्क चारा मिलाकर जानवरों को सर्व किया जाता है, इसको दातों के साथ कटाई की जाती है इसकी। इसके 5-6 लोग होते हैं, जानवर के नहायत अच्छा होता है, मुफीद होता है। ये थोम लगा हुआ है सारे साल का स्टॉक, गांव वाले खुद ही लगा कर लेते हैं और आगे शहरों में बेचते हैं। उस तो बाद कटाई कर कटाई के बाद आपको चारा डालते हुए दिखाते हैं कि कैसे इसको सर्व किया जाता है। कि दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप चारा मिक्स करके उसको एक पली भी डाला जा रहा है, अब इसे मिक्स करके जानवरों को सर्व किया जाएगा ताकि उसे खा सकें।
जब हम दिखाएंगे कैसे सर्व किया जाता है। एक पली में बांध कर उठाया जाता है, एक जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं अब इसे सर्व किया जाएगा। ये लेके जा रहे हैं, इसे अब खुली में डाला जाएगा ताकि जानवर इसको खा सके। कटरी की सूरत में लेकर आते हैं, फिर इसको डालते हैं और इसको इतना हो सके खींच कर तकसीम किया जाता है खुली के हिसाब से। इधर आप खुली का व्यू दिखाते हैं, जब इन्हें डालकर हम वापस आ चुके हैं, अब जानवर से आराम सुकून से खा लेंगे। इस तरह आपने भी चारा डालना है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको देखने को मिल सके। शुक्रिया।